हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल। मायसेल्फ हेमलता गुप्ता, योर कंप्यूटर टीचर। इन दिस वीडियो आई टीच यू अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल। ठीक है कि एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले आते हैं टाइटल बार। जो टाइटल बार है जहां पर कि प्रोग्राम का नाम दिखता है, वेयर द प्रोग्राम नेम अपीयर्स, दैट इज कॉल्ड टाइटल बार। फिर हमारा आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है जहां पर कि हमारे सारे ऑप्शन, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसे हम मेन्यू बार बोलते हैं। फिर आते हैं हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या होता है कि हर एक तरह के फॉर्मूला होते हैं जहां से कि हम कैलकुलेशन वर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर होते हैं टूल बार। टूल बार में जो हमारे अलग अलग टूल्स होते हैं वो हम यूज करते हैं। अच्छा, ये जो टूल बार है वो तो टू पार्ट्स में बटे होते हैं। एक स्टैंडर्ड बार होता है और एक फॉर्मेटिंग बार होता है। स्टैंडर्ड बार में जो है वो हमारा स्टैंडर्ड बार में जो फाइल हो गया, सेव हो गया, ये सारे ऑप्शन जो होते हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड है फॉर्मेटिंग बार, इसके ऑप्शन जो होते हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड है फॉर्मेटिंग बार, इसके अंदर जो है हमारे फॉन्ट का स्टाइल हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट में अंडरलाइन है, ये सारे जो ऑप्शन है वो टूल बार के फॉर्मेटिंग बार के अंदर आते हैं। फिर है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है वो विंडो का बॉटम एरिया होता है, यानी कि सबसे नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पे कि सारे मैसेज आ रहे होते हैं कि वहां पे कौन कौन सी हमारी फाइल ओपन है, क्या है, वो सारे ऑप्शन जो हमारे हैं वो स्टेटस बार में होते हैं, वो स्टेटस बताते हैं। फिर है हमारा रोज एंड कॉलम्स। भाई इनको तो पता ही कि जब हमारी वो पेज ओपन होता है एमएस एक्सेल का, तो उसमें दो जो उसका कहते स्टाइल है वो क्या है, रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो इनकी वर्कशीट जो है वो हमारी रोज और कॉलम से बनी है। फिर है हमारा सेल, और वो जो रोज एंड कॉलम्स के साथ में जो एक पर्टिकुलर उसका बॉक्स होता है उसे हम सेल कहते हैं। और जो एमएस एक्सेल में टाइपिंग होती है वो एक सेल के अंदर ही होती है। फिर है हमारा वर्कबुक, और जो पूरा इंटायर पेज है एमएस एक्सेल में जो भी इंटायर पेज है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। और वर्कशीट एक वर्कबुक में कई एक वर्कशीट्स होती हैं, तो यानी कि जो वर्कशीट्स का कॉम्बिनेशन है वो हमारा वर्कबुक कहलाता है। वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमें कोई डेटा इनपुट करना है तो एक सेल के अंदर ही वो जो डेटा है वो इनपुट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेल है वो अपने आप, मतलब कि जब हम टैब वाला की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अगर कोई टेक्स्ट हमारा लंबा है जैसे महात्मा गांधी, तो वो एक सेल में अगर नहीं आ रहा, उसे हमें दो सेल लेना है, तो हम क्या करेंगे कि माउस से राइट क्लिक करेंगे और वहां पे मर्ज सेल आता है ऑप्शन, तो वहां से हम जो है उस सेल को मर्ज कर सकते हैं, यानी कि दो सेल मिलाकर वो एक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें ऊपर लंबा टाइटल डालना है तो उतनी एरिया को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपने सेल्स को और राइट क्लिक करेंगे और वहां पे जाके मर्ज ऑप्शन में उनको मर्ज कर देंगे, तो वो पूरी एक रो हो जाएगी। लेकिन फिर नीचे वाला अगर हमको टेबल फॉर्म में ही लेना है तो वो उतने कॉलम्स को हम लोग उतने सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको टेबल फॉर्म में ले लेंगे। और जब हम उसमें वर्क कर लेंगे फाइल मेन्यू में जाके या कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और जिस भी नाम से फाइल को सेव करना है वो नाम डालकर उसको सेव कर सकते हैं।
सेव करने के भी आपके दो ऑप्शन है, कंट्रोलर से भी आप सेव करिए, अदरवाइज ऑफिस बटन में जाके वहाँ पे सेव ऑप्शन आता है, वहां से आप उसको अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। क्लियर। आज मैंने आप लोग को बताया कि हम एमएस एक्सेल पे कैसे वर्क करते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।